अरे नहीं, ये तो फेंट ही हो गई। मेरा घर ये तो पास नहीं है। सब इसे अपने घर ही क्यों नहीं ले जाते? जरूरी है भाई, एक बच्चा है, ये खो गया है। बाद में इसे पुलिस को देते ना कि ये खो गई है। यार जरूरी है, ले जाओ इसे अपने घर भाई साहब जी। क्या ठीक है, मैं इस लड़की पे थोड़ा सा पानी छिड़कता हूँ, फिर शायद ये उठ जाए। क्या हुआ? इस बेकार सी लड़की को मेरे आंखों से दूर करो। पता नहीं कहाँ से आ जा रहे गरीब लोग कहीं के। मिश्का, मम्मी पापा गरीब लोगों के साथ इतना बुरा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पहले मेरी बात सुनो, तुमने अपने पापा को अपना सीक्रेट बताया? अभी तक तो नहीं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। लेकिन मैं अभी उन्हें बता दूंगी सबके सामने। वो भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। उससे करने से पहले एक बार मेरी बात सुनो मिश्का, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे पापा से रिलेटेड। सच? एक्चुअली वो बीमार है, उन्हें एक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसमें उन्हें सिर्फ अपना एक लड़का बच्चा ही देखना है, इसलिए जब वो ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मिश्का। मैं यहाँ पे खड़े रह के तुम्हारा चेहरा एक बार और नहीं देख सकता। वीर नहीं, रुको, वीर, वीर नहीं। मैं भी जाती हूँ, मैं तुम्हें देखने हमेशा आती रहूंगी। चिंता मत करो माशिका और मिश्का। आपने मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों मम्मी? पहले आप ये बताओ कि अगर पापा को ट्रुथ मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तब वो कोमा में चले जाएंगे। हाँ, कोमा में चले जाएंगे, इसीलिए मिश्का। आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, आज मैं बहुत ही बड़ी गलती करने वाली थी। कोई बात नहीं बेटा, अब देखो सुबह भी होगी, चल तुम्हारे लिए एक न्यू स्कूल ढूंढते हैं। और क्या करें अभी? लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? मुझे वो रोड पे मिला और मैंने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा VCD भी रखा है, तो चिंता करने की ज्यादा बात नहीं है। ओके बाय, मैं चला काम पे, बाय प्रणय। रुको डियर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्रणय के बारे में। अब क्या हुआ? ऑलवेज डिस्टर्बिंग। इसको स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि ये गलती से दूसरे गर्ल्स वाले बाथरूम में चला गया था। वाओ, बहुत ही कमाल की बात है। ओह माय गॉड। ओके बाय। रुकिए। अरे अब क्या हो गया? मैं जा रही हूँ उसके लिए अब न्यू स्कूल ढूंढने, प्लीज थोड़ा सा उस पर टेंशन तो दो। अरे यार चुप भी रहो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है ये किस चीज के लिए बना है इस दुनिया में। मैं उसके लिए आज ही एक न्यू यूनिफॉर्म खरीदने वाला हूँ, तो प्लीज अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ओके तैयारी नहीं है। मुझे लगता है कि उन लोगों को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा लड़की जैसा है और सबको लगता है कि तुम एक लड़के हो। दिल पर मत ले जाना अपनी ये बात को, मतलब मेरी ये बात को। हम ढूंढ ही लेंगे एक न्यू स्कूल। क्या मेरे को तुम्हें बॉयज स्कूल में भेज देना चाहिए? नहीं, मैं बॉयज स्कूल में नहीं जाऊंगी, मैं एक लड़की हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू स्कूल ढूंढ लूंगी। मुझे माफ कर दो इन सारी चीजों के लिए, मैंने अपने साथ तुम्हें भी फंसाया हुआ है। चिंता मत करो मम्मी, आप सबसे अच्छी मम्मी हो। लेकिन पर मुझे भूख लगी है।
मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देती हूँ, रुको। ये डिनर का टाइम है वैसे भी। अरे नहीं, ये तो 10:45 PM हो गए, तुम्हारे पापा कभी भी घर आ सकते हैं, चलो जल्दी। बलून चाहिए। अब तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी आ गया है। वो चेरी ब्लॉसम होता है। प्लीज मम्मी, प्लीज मत कहो, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद दूंगी। हम एक और बलून खरीद ले। कौन सा वाला? मुझे एम वाला बलून चाहिए, मैं क्योंकि मेरा नाम एम से ही शुरू होता है। और हम पापा को क्या बताएंगे इसके बारे में? रेडी बत्ती कला बैंक से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने खरीदा। वाओ, गुड जॉब यार, पहले तुम ये पकड़ो। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा तेज भागते हैं। थक गई। मम्मी पापा दो बलून देख के खुश होंगे ना? चिंता मत करो, मैं वो संभाल लूंगी। चलो अभी अंदर चलते हैं जल्दी से। पापा अभी तक घर नहीं आए। मैं जा रही हूँ उनके लिए डिनर बनाने। खेल लो, और तुम्हें तो अभी माइसेल्फ भी याद करना है तुम्हारे टेस्ट के लिए। न्यू स्कूल में एंटर होने के लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्का लैना एंड आई एम 6 इयर्स ओल्ड। माय स्कूल नेम इज लगेवर। वाओ, तुम्हें माइसेल्फ आता है? और बोलो। माय फादर्स नेम इज माशिका लेना एंड माय फादर्स नेम इज प्रणव लेना। आई एम इन फर्स्ट क्लास। वाओ, और साथ में तुम्हें अपना फेवरेट सब्जेक्ट कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह भी बताना होता है। लेकिन अब अपना VCD पहन लो, कभी भी तुम्हारे पापा आ सकते हैं। मुझे अभी सोना है, कल पूरी रात में
गुड नाइट। पानी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सोने से पहले पानी पियो। लेकिन मुझे अभी पानी पीने का मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। ओह, लगता है पापा आ गए तुम्हारे। मम्मी, मम्मी, क्या आप मेरी लाइट ऑफ कर सकती हैं? अभी करती हूँ। ओह, इतना काम होता है ऑफिस में और तुम लोग घर पे मजे करते रहते हो। नहीं, मैं पिज्जा शॉप के लिए जाती हूँ और मिश्का स्कूल जाती है, मेरा मतलब तन्ने स्कूल जाता है, और मैं आज उसको न्यू एडमिशन देने के लिए ले गई थी। अरे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अगर किसी ने एडमिशन ले लिया उसका तो उसे स्कूल से निकालो, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है उसके लिए। कैसा प्लान? वैसे उसे किसी ने एडमिशन नहीं दिया है, अब मैं कल वापस जाती, पर कैसा प्लान है? तुम हर चीज में सवाल करने लगती हो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ना। अरे, तुम जाओ अपनी पिज्जा शॉप की यूनिफॉर्म पहन के अभी मेरे सामने खड़ी हो जाओ, जल्दी करो। और हाँ, जल्दी से जाओ और प्रणय को भी बुला ले आओ यहाँ पे, मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ, उसे दिखाना है। पर वो तो सो चुका है ऑलरेडी। यार, फिर भी उसे बुला के ले आओ, जाओ उठाओ उसे, मुझे नहीं पता। प्रणय, प्रणय उठो जल्दी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो मैं ही उसे उठा लूंगा, तुम जाओ। अरे, तुम जा रही हो, ठीक है, जाओ उसे जल्दी बुला के लाओ। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। पापा, क्या है ये? वाह, वाह यार! मैंने तुम्हारे लिए सोप टॉय लाया है, पर इससे पहले कि मैं तुम्हें ये दूं, जाओ और वो यूनिफॉर्म पहनो जो मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए लाया है, जाओ। वाओ, परफेक्ट। माशिका, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम?
आपको पता भी है टाइम क्या हो रहा है? और ये क्या प्रणय, तुमने ये क्यों पहना है? क्योंकि मेरे बच्चे को टॉयज चाहिए है ना? टॉय चाहिए? मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, अब तुम अपना मुंह बंद रखो और सुनो। प्रणय, ये जो सोप का खिलौना है वो 300 रुपए का है और तुम्हें यही वाला खिलौना मिलने वाला है। अगर तुम अपनी मम्मी के साथ पिज्जा शॉप में जॉब करने के लिए राजी हो गए तभी। पर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये तो 10 रुपए का है ना? मैंने खुद देखा था। और आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? वो अभी बहुत छोटा है। क्या आपको उसकी एज की फिक्र भी नहीं है? वो अभी 6 साल का है, only 6। एक दिन मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक लड़की थी जो पिज्जा का काम करती थी। एक दिन से पिज्जा पे कुछ मिला था और फिर वो सुपर हीरो बन गई। मैं ये जॉब करूंगा ताकि मैं भी सुपर हीरो बन जाऊं। यस, मुझे पता था मेरे बच्चे, अब ये टॉय तुम्हारा हुआ। कॉन्ग्रेट्स। लेकिन वो तो अभी एक बच्चा है। चुप रहो, मैंने अभी अभी नोटिस किया कि प्रणय की आवाज थोड़ी सी बदल गई है। उसने आज क्या खाया या फिर तुमने ही उसके साथ कुछ कर दिया? हाँ, नहीं, मैंने उसे VCD तो पहनाना भूल ही नहीं, बिल्कुल भूल गई। बोलो। उसने आज आइसक्रीम खाया था तो उसका गला बज गया होगा। ठीक है, मगर कल तक उसकी आवाज ठीक हो जानी चाहिए। उसकी आवाज बिल्कुल एक यूजलेस लड़की की तरह लग रही है। और हाँ, आइसक्रीम पे बेकार के पैसे बर्बाद मत किया करो। अब मुझे डेली उसको कुछ ना कुछ देना होगा और ये भी मेरा पैसा ही बर्बाद करेगा किसी ना किसी तरह। खैर, रहने दो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अभी एक बच्चा ही तो है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैनेजर उसे लेगा अपने जॉब में। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो एक बच्चा है। तब ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी दिक्कत है। अपने उस बॉस पापा मीनो को बोलो, तुम तो उनकी फेवरेट लॉयर ऑनेस्ट वर्कर हो ना। अब जाओ पानी लेके आओ, तुम्हें बताने में एक ही चीज मेरा मुंह थक जाता है। खाना भी ले आना, कब के 11 बज चुके हैं, तुम्हें समझाने में टाइम लग गया। नहीं, इस बारी मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। इधर आओ पागल बेवकूफ, जल्दी आओ। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें से शादी की। बदसूरत नो वन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बोलो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ या फिर तुम्हें कोई और ही मिल गया है? हाँ, आप भयानक हो रहे हैं। क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? उसकी एडुकेशन सबसे पहले आती है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चॉइस, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रणय को उसके पिछले स्कूल में दाखिला दिलाओ, तब तक वो पिज्जा वर्कर का काम करेगा। ये आखिरी है और अब मुझे कोई और डिस्कशन नहीं चाहिए। पानी लाओ दासी। लेकिन मैं ये कैसे करूंगी?
ओह तो तुम अपने बच्चे को दिखाने आई हो कि तुम काम कैसे करती हो। जरूर जरूर दिखाओ दिखाओ। हाँ जी सर, तो इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। वो केवल मुझे काम करते हुए देखना चाहता है, उसे प्रेरणा चाहिए। तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, चलो अपना काम शुरू करो। मैं अभी वापस आ जाऊंगी। मैं आ गई। दूसरा भी आया है नाशिका, और मैं पिज्जा बना रहा हूँ, देता हूँ तुम्हें, थोड़ी देर में जाना फिर। जरूर सर। आपकी तो नई दुकान खुली है ना सर? वैसे भी मैं आपकी कस्टमर हूँ, मुझे पिज्जा चाहिए, पेपरोनी पिज्जा प्लीज। चलो माशिका, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। माशिका सर, आपने अभी माशिका ही बोला है ना? तुम मेरा यही इंतजार करना ठीक है? ओके सर। यही तो माशिका नहीं? हेलो जी, माशिका दी, आप सच में? मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मास्क निकाल के बोलेंगी। आप यहाँ काम करती हैं? आपको देखो, आप कितनी दुबली पतली हो गई हो। आपके बाल तो देखो जरा, आपके बाल पहले कितने बड़े और सुंदर थे, ये आपको हो क्या गया है? रुकिए, मैं अपना मास्क निकाल के आपको अपना चेहरा दिखाती हूँ, तब आपको पहचान में आऊंगी मैं कौन हूँ। कायरा, तुम इतने सालों से कहाँ थी? क्या आपको नहीं लगता मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहिए जो सवाल आपने मुझसे पूछा, क्योंकि गायब मैं नहीं, आप हुई थी। मैंने उसे खो दिया। उसे किसे?